नमस्कार दर्शकों, तुम रोजाना की तरह हाजिर हैं लेकर अपना खास कार्यक्रम आज का राशिफल। आज के राशिफल में आपको बताएंगे आज का दिन आपके लिए कैसा कटने वाला है, क्या कुछ खास आपकी जिंदगी में रहने वाला है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ग्रह नक्षत्रों में हमेशा बदलाव होता रहता है और हमारे द्वारा आपको समय समय पर ग्रहों की दशा और उनके परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहती है। हम आपकी राशियों के ऊपर ग्रहों के इन परिवर्तन की वजह से आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव रहने वाले हैं, इन सबकी जानकारी समय समय पर मुहैया कराते रहते हैं। राशिफल का हमारे जीवन में काफी ज्यादा महत्व होता है। राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी जानकारी भी आसानी के साथ प्राप्त की जा सकती है। ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशिफल का निर्माण किया जाता है, क्योंकि ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं भी हमेशा एक समान नहीं होती। आज 2 जून यानी कि रविवार का शुभ दिन है। आज सूर्यदेव अपने भक्तों की पुकार सुनेंगे और इनको खुश करने के लिए मनुष्य के मन में केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आज का दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है, आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस खास कार्यक्रम यानी कि आज के राशि फल में मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली राशि से। मेष राशि के जातकों के जीवन में चली आ रही स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अपने उत्साह को काबू में रखें, क्योंकि ज्यादा खुशी भी परेशानी का सबब बन सकती है। बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है। प्यार के मामले में आप सकारात्मक और भावुक रहेंगे। रोमांटिक जिंदगी में बदलाव मुमकिन है। कामकाज में कोई भारी गलती हो सकती है। आज अफसरों से वैचारिक मतभेद बढ़ेंगे। वृषभ राशि, आज आप किसी नए व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। बातचीत में संतुलन बनाए रखें, धैर्यशीलता में कमी आएगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ घर में सुख शांति से दिन व्यतीत होगा। जीवन साथी से बिना पूछे योजना बनाएंगे तो उनकी ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। अगर आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को अनदेखा करेंगे तो परिवार के लोग नाराज हो सकते हैं। पूरे दिन आपका मिजाज बढ़िया रहेगा। मिथुन राशि, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की संभावना बनी हुई है। मन आपका प्रसन्न रहेगा। अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। जीवन साथी को खुश करने में कठिनाई महसूस करेंगे। उनको समझने और उनके नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करें। आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। मौज मस्ती और सुस्ती से आपके काम भी प्रभावित हो सकते हैं। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते वक्त अपने शब्दों को गौर से चुनें। कर्क राशि, आज अगर इंटरव्यू देने जाएं तो दिमाग ठंडा रखें। जल्द ही आपको शुभ समाचार मिलेगा। आपके अपनी काबिलियत के बदौलत सब कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं। साझेदारी और व्यापार में हिस्सेदारी वगैरह से दूर रहें। बेरोजगार लोग नौकरी की तलाश की दिशा बदल सकते हैं। समय आपके अनुकूल होगा। अतीत के गलत फैसले मानसिक अशांति और कलेश की वजह बनेंगे। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। आज सूर्य भगवान कहते हैं व्यापारी वर्ग को कारोबार में आशा के अनुरूप फायदा होने वाला है। कुछ धार्मिक गतिविधियां आपका समय बिता सकते हैं। आप इस संबंध में कुछ पैसे भी खर्च कर सकते हैं। आपके व्यवसाय में आगामी लाभ के संकेत मिल रहे हैं। दुख की घड़ियां समाप्त होने वाली है। नए बिजनेस में हाथ डालने से पहले अच्छी तरह विचार कर लें। विकास की योजनाएं बन सकती हैं। किसी बड़े काम को पूरा करने में आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कन्या राशि, आज भागदौड़ भरा दिन रहेगा। आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे। आप जिस प्रतियोगिता में भी कदम रखेंगे आपका प्रतिस्पर्धी स्वभाव आपको जीत दिलाने में सहयोग देगा। छात्रों के लिए दिन शुभ है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कामकाज के मोर्चे पर आपको सबसे स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा, जिससे कामकाज बेहतर बना रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होगी। सफर के दिन अच्छा ज्यादा नहीं है। तुला राशि, पार्टनर से संबंध अच्छे होंगे। किसी से तभी दोस्ती करें जब उसके बारे में पूरी जानकारी कर लें, भली भांति उसको समझ लें। स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी रहेगा। माता के परिवार से किसी महिला से धन की प्राप्ति होने के योग बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। वृश्चिक राशि, आज प्यार के मामले में वृश्चिक राशि वाले गलत समझे जा सकते हैं। ऐसे लोगों से हाथ मिलाएं जो रचनात्मक हैं और उनकी सोच आपसे मिलती हो। नए कार्यों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी योजनाओं को पूर्ण करने के अब समय आ चुके हैं। योजनाओं में आपको सफलता जरूर मिलेगी। बात करते हैं धनु राशि वालों की। नौकरी पेशा लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में आज अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यक्तिगत बातचीत और व्यवहार में भावनात्मक वातावरण की अनुभूति रहेगी। आर्थिक लाभ व्यवसायिक में भी धन का अभिवार्य होगा। ईश्वर की कृपा से आपको खुशी और सफलता मिलेगी। आप अपने रिश्तों को सुधारने का प्रयास भी कर सकते हैं। मकर राशि,
आज आपका सबसे बड़ा सपना हकीकत में बदल सकता है। छोटी दूरी की यात्रा सुखद हो सकती है। पत्नी से संतुष्टि तथा सुखद स्थिति का निर्माण होगा। भावनात्मक सूझबूझ के साथ शादीशुदा लोगों को जीवन साथी से सुख और प्रेम मिलेगा। अपनी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाकर आप करियर में अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा सावधान रहें, आज किसी बात को ज्यादा गंभीरता से ना लें, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। कुंभ राशि, आज आपको अपनी जिम्मेदारियों के बाद आपको दूसरों की जरूरतों पर ध्यान देना होगा। नए कार्य की शुरुआत या उसकी योजना बना सकते हैं। किसी के निजी कार्य एवं झगड़े में आपकी राय या विचार ना दें, अन्यथा अपने अस्तित्व को ठेस लगेगी। आपको अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। आज आप अपना आत्मविश्वास ऐसे बनाए रखेंगे। अंत में बात करते हैं मीन राशि वालों की। निवेश के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा। मदद को तत्पर रहेंगे। प्रशासनिक मामलों में धैर्य रखें। आज ज्यादा खर्चा हो सकता है। आर्थिक तौर पर समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। परिवार तनावों को स्थिति में आज एकाग्रता आपकी भंग हो सकती है। रिश्ते आपके आज मजबूत होंगे और लाभ भी आपको आज जरूर होगा। तो दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम आज का राशिफल में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल के साथ। नमस्कार।